हेलो एवरीवन, कक्षा 5 हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने 15 चैप्टर तक सब पूर्ण किया, एक्सरसाइज वगैरह। तो अब हम 16 चैप्टर की ओर जाएंगे, जो है आपका पहेलियाँ। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक निकालिए और पेंसिल अवश्य हाथ में रखिए। पहेलियाँ यानी कि जोक्स, जो कहने का बहुत सबको मज़ा आती है। पहेलियाँ करने से क्या होता है, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और हमें मज़ा आता है, हमारी सेहत भी अच्छी बन जाती है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो इसी तरह प्रत्येक पहेली उत्तर के सामने दिए गए चित्र में से हमें मिल जाता है। पहेलियाँ हम सबको पसंद है, तो आइए मैं आपको पहेलिये के अर्थ भी समझाती। तो देखो, मैं पहेलियाँ बोलते हूँ, उनका जो आंसर है वो आपको लिखना है पेंसिल से ऐसे, तो यानी आपको एग्ज़ाम में आसान रहे। तो नंबर 1 है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस। तो इसका आंसर है जलेबी। जलेबी आकार में कैसी होती है, गोल गोल, और उसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी और एकदम रस। देखो, मैं अभी भी नाम ले रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है आहा, जलेबी आ गई मुंह में, आ गई ना। तो अब नंबर 2 में है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। धरती पर पैर छिपाता यानी उसका आंसर है पैर। तो पैर कहाँ रहता है, धरती पर, यानी जो नीचे वो उसका थर्ड होता है, उसने धरती पर वो नीचे रखे जाता है ना उसके थर्ड को। और आसमान में शीश झुकाता यानी जो उसके पैर के पत्ते होते हैं वो आसमान में दिखाते हैं, इसी तरह उसका शीश होता है, चल नहीं पाता लेकिन पैरों से वो क्या करता है, भोजन। जिस तरह हम खाद्य पानी सब डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं, नीचे उसके थर्ड में, जिससे उसका डेवलप होता है पैर का। तो उसका आंसर रहेगा पैर। तीसरे नंबर पर है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो बड़ी बन जाऊं। यानी 3 अक्षर का नाम है, वो है पगड़ी, और हमारे सिर के ऊपर जो हम रखते हैं उसको बोलते हैं पगड़ी। अंत कटे तो क्या बन जाएगा, पगड़ी, अंत कटे तो क्या बन जाएगा, पग बन जाएगा, और उसका मध्य काट देंगे आप तो क्या बन जाएगा, पड़ी। तो इसी तरह उसके शब्द भी बना सकते हैं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पैर नहीं। तो उसका उत्तर होगा मानचित्र। मानचित्र पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है लेकिन उसकी नदी जैसा लग रहा है बहाव उसका, लेकिन जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं उसका, जंगल। जैसे कि भारत का जो नक्शा बना होता है उसी तरह हमें इस पे पहाड़ है पर पत्थर नहीं, इसी तरह बनाया गया है, इसीलिए उसे मानचित्र कहा गया है। 5 पर है, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज़ का घोड़ा यानी कि जो कागज़ से हम बनाते हैं आकार, और धागा यानी जो डोरी होती है उससे हम उसको खींचते हैं यानी वो ऊपर जाती है। छोड़ दे धागा तो करे सलाम यानी उसको हम ऐसे ऊपर, पतंग उसका आंसर होगा पतंग, क्योंकि हम ऊपर जो चढ़ाते हैं ना उसको, फिर हम धागा को छोड़ देते हैं तो क्या लगता है हमें, जैसे हम उस वो हमें सलाम करता है। तो ये पहेलियाँ आपको समझ कर उसके आंसर लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो थैंक यू।